नमस्कार दोस्तों, लोकसभा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन में आपका सर से स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जो सबमर्सिबल पंप है, जो बोर का पंप है, यहाँ पर रिपेयर करने वाले, तो इसकी जो मोटर है, इसका जो वाइंडिंग है जली हुई, यहाँ पर हम उसको अभी पार्ट निकाले, एक पार्ट निकाल के उसका जो वाइंडिंग है आपको मैं यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, और जो मोटर है यहाँ पर रिपेयर होने वाली है। ऐसा पार्ट था वो, और ऐसा पार्ट होने के बाद यहाँ पर ये पार्ट निकाला हुआ है, जो ये पंप है और ये पंप और ये मोटर है। तो इसके बाद इसका जो रिपेयरिंग है यहाँ पर करने वाले हम। तो मोटर जो है वो सिर्फ रोटेशनल एनर्जी या रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके जो पंप है वहाँ पर सक्शन तैयार होता है, और उसकी वजह से जो पानी है वहाँ पर खींचा जाता है। यहाँ पर जो मोटर है यहाँ पर खोलने वाले हम, तो इसमें सिर्फ इसमें वाइंडिंग होती है, इसमें भी वाइंडिंग होती है, सिर्फ मोटर में वाइंडिंग होती है, इसमें नहीं होती, ये पंप है सिर्फ। तो मोटर यहाँ पर खोलने वाले जिसमें जो वाइंडिंग है यहाँ पर हम निकालेंगे, और उसका जो वाइंडिंग है ये चेंज करेंगे। ये पुलर है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा निकालने के लिए पुलर यूज़ करते क्या? यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा निकालने के लिए जो मोटर का हिस्सा है, तो मोटर ही यहाँ पर रिपेयर की जाती है सिर्फ, उसमें कूलर लगा के यहाँ पर जो या ऊपर वाला हिस्सा निकल दिया जा रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कूलर के हिसाब से यहाँ पर जो है मोटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर निकाल दिया जा रहा है। देख सकते कैसे इसमें अंदर ये देख सकते हैं यहाँ पर होती है अपनी ये वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, और इसको हम चेंज करने वाले। ये ऊपर वाला हिस्सा निकल गया अभी, तो इसमें ये होता है रोटर, और उसका ये होता है स्टेटर वाइंडिंग। तीन टाइप के यहाँ पर ब्रश रहते हैं इसमें, तो गन टाइप और कार्बन मेटल टाइप और कार्बन टाइप यहाँ पर ब्रश रहते हैं। ये पानी क्यों भरते हैं इसमें? ये सबमर्सिबल पंप रहता है, इसमें पॉलीकोटेड वायर रहती है, पॉलीकोटेड वायर के अर्थ इंसुलेशन चेक करने के लिए पानी भर के मेगर चेक किया जाता है, मेगर चेक किया जाता है, पानी भर के मेगर चेक किया जाता है। तो मेगर कितना होना चाहिए उसका? जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो शॉर्ट हुई है नहीं हुई है वो समझ में बताता है, तो मोटर जली हुई है बॉडी अर्थ। हाँ, जो ये मेगर है, मेगर टेस्टर है अपना, यहाँ पर मेगर जो यहाँ पर कनेक्शन को जो टू टाइप मे बॉडी और फेज में यहाँ पर चेक कर रहे, और इस हिसाब से यहाँ पर जो है मैक्सिमम यहाँ पर जो है मेगर दिखा रहा है। तो फुल मेगर ज़्यादा फुल बताने की वजह से तो इस इंसुलेशन ब्रेक हो चुका है, और मोटर जल चुकी है, यहाँ पर ये फाइनल हो चुका है। तो पॉलीकोटेड जो वायर है उसमें रहती है, उसकी वजह से पानी डाल के वो चेक की जाती है, क्योंकि उसमें जली हुई है कि नहीं वो चेक वहाँ पर की जाती है। अभी क्या खोल रहे हैं उसका? पीछे का पार्ट यहाँ पर जो है निकाल दिया जा रहा है। किस लिए बार का पिछले वाला पार्ट निकालते हैं अपन? ये मोटर तोड़ने में, ओ वाइंडिंग करने में आसान जाता क्या? ठीक, पिछले वाला पार्ट था यहाँ पर निकाला हुआ है, उसको पार्ट को क्या बोलते हैं? पिछले वाला पार्ट मोटर का कौन सा? ये पार्ट, ये थ्रस्ट बेयरिंग है, थ्रस्ट बेयरिंग, ये बुश है। यहाँ पर जो है ये बुश निकाल रहे हैं, बाहर निकाल जा रही थी, बुश प्लेट बाहर निकाल रही थी। हाँ, वाइंडिंग के लिए है ना, स्टेटर बुश प्लेट से अलग कर रहे हैं वाइंडिंग करने के लिए। यहाँ पर जो वाइंडिंग है यहाँ पर कटिंग की जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी जो वाइंडिंग है यहाँ पर बाहर निकल जाती है। का सर? ये पॉलीकोटेड होते हैं ना, यानी पीवीसी, ये पीवीसी होता है, पीवीसी इंसुलेशन रहता है, इंसुलेशन प्रॉपर वायर। यस। यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीकोटेड, इसको वायर यूज होती है। हाँ, जो पानी का अंदर ये पॉलीकोटेड वायर यहाँ पर यूज होती है, और उसमें कॉपर अंदर रहता है। इसको बाहर नहीं निकाल सकते डायरेक्ट अपन? वो तो निकल रहे, पर बाहर नहीं निकल नहीं क्या? वो तो बहुत बहुत आसान, यानी बहुत कठिन होता होगा फिर डालने के।
वाइंडिंग कर लेता है। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है अंदर की स्टेटर की वाइंडिंग यहाँ पर निकाली जाती है, और उसके बाद जो है वाइंडिंग, या ये वाइंडिंग मशीन से करते हैं आप उनके हाथ से करते हैं हाथ से, तो देख सकते हैं मशीन से कर सकते हैं क्या नहीं, मशीन से कर सकते, कंपनी में सिर्फ कंपनी में होती है, और जो है बाहर जो है हाथ से करते हैं प्रॉपरली जो है हाथ से। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटर के यहाँ पर पोल है, ये पोल होते हैं और उसके अंदर जो इंस्टॉलेशन होता है, और ये होता है मोटर का, सेम मोटर का फंक्शन वही है स्टेटर और रोटर। उसमें स्टेटर जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता तो रोटेशनल एनर्जी के तैयार होने के बाद जो रोटेट है रोटर जो है वहाँ पर रोटेट होता है। ये देख सकते हैं ये स्टेटर है, अब इसकी वाइंडिंग यहाँ पर की जाएगी तभी मोटर स्टार्ट होने वाली है। देख सकते हैं ये माइक्रोगेज है, और उसके हिसाब से जो वाइंडिंग की डायमीटर है यहाँ पर गिनी जाती है, और उसके हिसाब से जो डायमीटर निकाल के वहाँ पर वाइंडिंग यूज़ की जाती है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है गेज अपना, और यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी अभी इसकी डायमीटर 0.8 वायर है। 0.8 ओके 0.8 माइक्रो। यहाँ पर देख सकते हैं ये एसिड वाश यानी जो करोजन हुई रहती है मोटर, यहाँ से करोजन पूरा निकाल दिया जाता है, उससे क्लीन होती है। वाइट कैट एसिड इस पर डाला जाता है, इसमें एसिड क्यों डालते हैं कि वो जो खराब हुआ करोजन हुआ पार्ट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर निकल जाए, वह फिर से वो डैमेज ना हो, क्योंकि मिट्टी की वजह से यहाँ पर करोजन होता है, क्योंकि आयरन पार्ट होता है उसमें, और जो यहाँ पर करोजन का लेयर यहाँ पर जमा हुआ था उसके निकालने के लिए वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेटर है, और स्टेटर में ये जो पेपर डाला जा रहा है ये कौन से टाइप का पेपर है सर? ये PVC पेपर है। PVC पेपर यहाँ पर जो अंदर ये जो अपने पोल है या उसको कोर बोलते हैं, तो कोर में यहाँ पर ये यहाँ पर डाला वायर छोले लेने दे जा रहा है, और उसके बाद जो ये वाइंडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप वाइंडिंग ये अपना जो वायर है यहाँ पर लिया हुआ है हमने, और उसकी जो वाइंडिंग है यहाँ पर कर लेंगे। कॉइल बनाने के लिए जो कॉइल का शेप वहाँ पर जनरेट करने के लिए या तैयार करने के लिए यहाँ पर फार्मा रहता है, और इस तरह से ये कॉइल यहाँ पर तैयार की जाती है, और इसमें स्टेटर में वहाँ पर डाली जाती है। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये कॉइल तैयार की जाती है। सर यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉइल यहाँ पर स्टार्ट कर दिए, ये कॉइल यहाँ पर जो है स्टार्ट कर दिए, और ये हो रहा है इसमें शेप। कितने टर्न्स लेने पड़ते हैं एक कोर में? मोटर में टर्न निकलेंगे उतने टर्न लेना पड़ता है। हाँ, तो अभी कितने निकले हुए थे उसमें? 25 टन निकले हुए हैं, तो 25 टन यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो 25 टन निकले हुए हैं, तो 25 टन यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, और जो टन है वो कट नहीं करने में पड़ता क्या? क्या कितने टन के बाद कट करना पड़ता है? कॉइल के दो ग्रुप रहते हैं। हाँ हाँ, दो ग्रुप होने के बाद ही कट करना पड़ता है। कॉइल के दो ग्रुप पूरे होने के बाद कट करते क्या? हो गया। उसकी साइज़ कम जाता क्यों ये कॉइल? स्लॉट कम ज़्यादा है ना स्लॉट। हाँ हाँ ठीक है ओके। हाँ या आराम से यहाँ पर जो है ऐसी वाइंडिंग यहाँ पर प्लेस की जाती है। देख सकते हैं इस तरह से पर जो वाइंडिंग है ये गाड़ी किस लिए होती है? कॉइल आगे प्रेस करने के लिए, स्लॉट में प्रेस करने के लिए, लकड़ी यूज कर। हाँ, स्लॉट में फिट होने के लिए है। तो पहले पेपर नहीं निकाला उसमें से आपने? निकाला। हाँ हाँ, कमड़ी गए गाड़ी गेल्या। हाँ हाँ, अच्छा टाइप में कॉइल पर। इस तरह से ये कॉइल जो है यहाँ पर स्लॉट में बिठाई। कितने स्लॉट में यहाँ पर जो अंतर है वो छोड़ा जाता है जो मोटर का जो ओरिजिनल डाटा होगा वो हिसाब से। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये कॉइल है यहाँ पर कर लिए, अभी ये टर्न्स हमने यहाँ पर पूरी कर लिए। जो मोटर वाइंडिंग है यहाँ पर स्टेटर की यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पर
जो है स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। ये स्टेटर अभी इसको कनेक्ट करेंगे अपन, जो अपना वाटर पंप था और उसको पंप को कनेक्ट करके फिर मोटर यहाँ पर जो है तैयार की जाएगी। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर जो पार्ट निकाला था यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ये अपना स्टेटर है, ये मोटर, इसमें स्टेटर होता है, ये अपना कंप्लीट यहाँ पर हमने निकाल दिया है। और जो है यहाँ पर ये पंप, सबमर्सिबल पंप इसको बोलते हैं, तो इसमें सक्शन होता है और इसकी वजह से पानी यहाँ पर खींचा जाता है। और ये हो गया अपनी कंप्लीट यहाँ पर मोटर। इस तरह से हमने जो वाइंडिंग है आपको दिखाने वाला था यहाँ पर आपको मैंने दिखाया। अंदर यहाँ पर कनेक्शन किए जा रहे हैं और यहाँ से इसमें पानी डाल दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग हम यहाँ पर लेने वाले। और जो मोटर है यहाँ पर वर्क करती है, क्योंकि अभी वाइंडिंग यहाँ पर की हुई हमने, और वाइंडिंग करने के बाद उसका टेस्ट लेंगे और भी परफेक्टली वहाँ पर प्लेस कर देंगे। हेलो हेलो, अभी यहाँ पर टेस्ट करने आपकी तरफ। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये हमारा सबमर्सिबल पंप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं हम इसका, जो वाइंडिंग हमने की थी। अभी इसमें पानी डाल दिया जा रहा है और उसके बाद जो उसकी टेस्ट हो लेने वाले हैं, और वहाँ पर जो अपना सबमर्सिबल पंप है वहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये टेस्ट वर्किंग यहाँ पर हो चुकी है, और इस तरह से यहाँ पर जो वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने सबमर्सिबल पंप की जो यहाँ पर टेस्ट आपको दिखाया और जो वाइंडिंग है यहाँ पर मैंने दिखाई। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।